तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी कमाल की दो हिडन सेटिंग, या फिर बोल सकते हैं हिडन ट्रिक बताने वाला हूँ, जिससे आप अपने सैमसंग गैलेक्सी को यूज़ करने को बहुत ही अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। ये जो टिप बताने वाला, या बोल सकते हैं ये जो मैं आपको सेटिंग बताने वाला हूँ, बहुत ही सिंपल है। आप बोलोगे अरे तो कुछ भी हो, कोई भी बता सकता है, बट ये बहुत लोगों को नहीं पता होती। तो चलते हैं दोस्तों आगे। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलते हैं आगे। मेरा नाम सनी है और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बताने वाला हूँ दो कमाल की ट्रिक बताने वाला हूँ, या बोल सकते हैं दो कमाल की हिडन ट्रिक बताने वाला हूँ। दोस्तों होता क्या है, जैसा कि आपको पता ही होगा कि अभी रेनी सीजन आ चुका है, या बोल सकते हैं बारिश वाला सीजन आ गया है। इस सीजन में क्या होता है, हमारे हाथ थोड़े गीले होते हैं, या तो मोबाइल चलता नहीं, कभी कभी टच सही नहीं चलता। इस सीजन में क्या होता है दोस्तों, आप कहीं टच और करते हो और कहीं और टच हो जाता है, और कभी कभी तो टच सही से वर्क नहीं करता। तो इसके लिए आपको एक हिडन सेटिंग बता रहा हूँ, जिसको आप इनेबल कर देंगे तो आपके जो टच चलने की परफॉर्मेंस है काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएगी, या बोल सकते हैं ऑलमोस्ट आपकी जो प्रॉब्लम है सॉल्व भी हो सकती है, बट टच ख़राब नहीं होना चाहिए। बाकी अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम है तो वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो उसके लिए आपको जाना है यहाँ सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे जाने के बाद यहाँ जाना है आपको डिस्प्ले वाले ऑप्शन पे। डिस्प्ले वाले ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पर आप नीचे जाएंगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा टच सेंसिटिविटी, आपको दिख रहा होगा, इसको आपको इनेबल कर लेना है। तो ये बहुत ही काम का है, आपके मोबाइल में कितना भी स्क्रीन गार्ड लगाओ, टच नहीं चल रहा हो, या कोई आपके मोबाइल में कोई स्क्रीन आपके हाथ गीले हो, या आपने कोई पन्नी से कवर करा हो तो नहीं चल रहा हो, बट आप इसको इनेबल करेंगे तो वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जैसा इसमें लिखा भी हुआ है, इंक्रीज द टच सेंसिटिविटी ऑफ द स्क्रीन फॉर यूज द विथ स्क्रीन प्रोटेक्टर, तो आपको इसको इनेबल कर लेना है। उसके बाद भी कुछ और दिक्कत आ रही हो तो आपको यहाँ सर्च में जाना है, यहाँ पर जाना है रिमूव एनिमेशन पे, आपको सर्च मार लेना है और अपने मोबाइल में आपको रिमूव एनिमेशन को ऑन कर लेना है। एसेबिलिटी में जाके आपको मिलेगा एनिमेशन को यहाँ रिमूव कर देना है, तो इससे भी आपकी टच की परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगी। तो ये दो सेटिंग पहले तो आपको कर लेना है। उसके बाद दोस्तों जो तीसरी चीज़ बताने वाला हूँ वो है फेस अनलॉक को लेके। अगर आपने अपने सैमसंग गैलेक्सी में फेस अनलॉक लगा के रखा है, और अगर आप अपने मोबाइल में फेस अनलॉक को ऑन करके फेस अनलॉक से अपने डिवाइस को खोलते हैं, तो आपको पता होगा जैसे ही आप डिवाइस को खोलेंगे तो ऊपर ऐसा बना जाएगा और आपको एक स्वाइप करना होता होगा, तब जाके आपका मोबाइल अनलॉक होता है। ये थोड़ा सा फेस अनलॉक के साथ ऐसा इशू है, तो आप इसको भी हटा सकते हैं, और जैसे ही डायरेक्टली आप करेंगे और आपका मोबाइल फेस अनलॉक हो जाएगा, तो उसके लिए जाना है यहाँ सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे जाने के बाद आपको जाना है यहाँ पर नीचे की तरफ आप जाएंगे, आपको जाना है यहाँ पर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में जाने के बाद आपको जाना है यहाँ बायोमेट्रिक्स में। बायोमेट्रिक्स में जाने के बाद आपको जाना है यहाँ पर फेस रिकॉग्निशन पे, यहाँ पर अपना पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डाल देंगे, जैसे ही आप अंदर जाएंगे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्टे ऑन स्क्रीन अनटिल स्वाइप, आपको इसको डिसेबल कर देना है। इसको डिसेबल करने के बाद जब भी आप अपने मोबाइल को लॉक करेंगे और अब अपने फेस अनलॉक से खोलेंगे, तो आप देखेंगे डायरेक्टली वो खुल गया है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये फीचर वर्क करता है, आप देखेंगे ये बहुत ही शानदार तरीके से अब ये वर्क करने लगा है। तो यही दो हिडन सेटिंग बताई मैंने आपको, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी नई अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है कुछ कमी मेरी वीडियो में तो मुझे डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड, कुछ भी आप हमारे लिए कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पर DM करके भी पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो थैंक यू।